आप सभी का स्वागत है। नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम को लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग न्यूज़ चल रहे हैं, आपने देखा होगा या आप देखेंगे कहीं ना कहीं। ये फोटो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 फेज टू। ये मैं आपको बता दूं कि ये फेक है, अगर आप कहीं देखते हैं तो इग्नोर करेंगे। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन का डेट बताया जा रहा है 20 अगस्त से 10 सितंबर तक 2022। ये बिल्कुल फेक है, आप सभी को बता दूं। यहाँ पे बताए जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट पे कि अनाउंस किया जाएगा, ये फेक है। और यहाँ पे देखें नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताए जाएंगे सितंबर मंथ में एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आपको बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नीट फेज टू का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही नीट फेज टू एग्ज़ाम होगा। कुछ सेंटर पे जैसे श्रीगंगानगर पे जो भी रीनेट होना है वहाँ पे होगा। और मैं एक बात आपको बता दूँ, जब ऐसा न्यूज़ आप सभी देखें तो इग्नोर करें, क्योंकि आपको बता दूँ कि 2021 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फेज टू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, जो कि उसका सुपर डुपर फ्लॉप था, आइडिया ही फ्लॉप था। बहुत परेशान हुए हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस बार नहीं है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये लागू दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, NTA का सही था डिसीजन, इस बार फेज टू नहीं होगा। आपको कोई भी NTA के वेबसाइट पे अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आगे अगर आपको कुछ करना भी है तो वो काउंसलिंग करना है, चाहे MCC की वेबसाइट पे या स्टेट की वेबसाइट पे, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा किसी प्रकार का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका आता है तो मैं आपको बताऊंगा। इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो आप सभी बता दो।